इस वक्त की बड़ी खबर बसेली राजस्थान से। बसेली कांग्रेस के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष एवं सचिव का सम्मान समारोह आयोजित। कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष एवं सचिव का सम्मान समारोह बाईपास स्थित निजी मैरिज होम में गत दिवस आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि राजाखेड़ा विधायक एवं प्रदेश महामंत्री कांग्रेस रोहित बोहरा रहे। इसके अलावा कार्यक्रम में मंचासीन अतिथि जिलाध्यक्ष साकेत विहारी शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष दुर्गादत्त शास्त्री, भरतपुर जिलाध्यक्ष दिनेश सूपा, पंचायत समिति बसेली प्रधान प्रतिनिधि शंकर परमार, सरमथुरा प्रधान प्रतिनिधि व सचिव संजय जाटव आदि रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा मंचासीन अतिथियों का माल्यार्पण एवं साफा बांधकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि गहलोत सरकार द्वारा आमजन को राहत देते हुए कई विकास कार्य किए हैं। सरकार द्वारा हर कौम का ध्यान रखकर विकास किया गया है। ग्रामीण ओलंपिक खेल में ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं निखर कर आ रही है। जिलाध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि सभी कार्यकर्ता पार्टी के लिए कार्य करें, जिससे पार्टी मजबूत हो सके। सचिव संजय जाटव, दुर्गादत्त शास्त्री, दिनेश सूपा आदि ने अपने विचार व्यक्त करते हुए सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया। कार्यक्रम के अंत में प्रधान प्रतिनिधि शंकर परमार ने सभी का आभार जताया। इस दौरान कार्यक्रम में कई कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सब यहाँ इकट्ठा हुए, कांग्रेस का सम्मान, मीडिया वाले अच्छा सम्मान करा हमारे दोनों नए जिलाध्यक्ष, भरतपुर और धौलपुर के जिलाध्यक्ष हमारे बीच में थे, उन दोनों का सम्मान समारोह था। संजय हमारे यहाँ से नए जनरल सेक्रेटरी बने, मुझे जनरल सेक्रेटरी भी हुई थी, इसके लिए बसेड़ी वालों ने एक सम्मान समारोह रखा था। इसलिए आज हम यहाँ सब एकत्रित हुए, सब कार्यकर्ताओं से बात करी, जो भी बात है हम उनको सब तक पहुँचाएंगे। और यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें बुलाया, सम्मान करा, उसके लिए बहुत बहुत राम राम। आने वाले समय में कैसे भी किसी भी तरह से आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हमारे बसेड़ी क्षेत्र की और धर्मतरा क्षेत्र की यही मांग है कि बसेली विधानसभा क्षेत्र से कोई भी स्थानीय आदमी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी स्थानीय आदमी, चाहे वो झरी से लेकर के और कुरकुटे बोरेली तक हो और किसी भी ऐसी प्रक्रिया हो, मेरी का घाट भी हो, कोई भी हो, उनका आप सपोर्ट करें। और जमीनी स्तर से मतलब ऐसा नहीं हो कि मतलब जैसे बहुत बड़ी बड़ी पहुंच बना करके, और क्योंकि पिछले बार ये हुआ था हमारे खिलाड़ी भरवाली और अपनी अपनी ताकत दिखा करके, ताकत होती है पैसे की, वो टिकट को ले आए, पैसे ले आए और पब्लिक को तो भाई सिंपल चाहिए, उन्होंने सिंपल निकाल रख दिया और इन्होंने को जिता दिया। कांग्रेसी सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने जमीन में मिला दिया, बसेड़ी का हो ये सर्वथा लोग का हो, उनके साथ वो लोग हैं जो हमारे खिलाफ बूथों पे एजेंट बनते हैं, आज वो ही लोग उनके साथ मलाई पी रहे हैं। हमारी ये कंडीशन कर रखी है कि पुलिस में ये कह रखा है कि इस ब्लॉक अध्यक्ष पूर्व राम लखन से कहीं भी कोई भी झूठा मामला है इसको बंद करना है। हम थाने में के नजदीक भी नहीं जाते क्योंकि कहीं झूठे मुकदमे से क्या उनको पुलिस में है ही, ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जो उनसे छूटा हो, चाहे फॉरेस्ट हो, काम उन्हीं के चलेंगे जो बैलबाजी के, या हाजिरी देगा जो हाजिरी नहीं देगा वो कोई व्यापार नहीं कर सकता है, ना हिरा जिले में नौकरी कर सकता है, वो मिल के लूटा है। अब वो ज्यादा क्या कहता हूँ, हमारी ये कांग्रेस का प्रोग्राम है, मगर हमने सर्वद्रा से ऐसे आदमी को विदा कर दिया है। आज बसेड़ी वालों से निवेदन करता हूँ कि बसेड़ी से भी उसको विदा कर दो और कांग्रेस को मजबूत करो, और यह एक सच्चा कांग्रेसी चुनाव नजदीक है, जो कांग्रेस का समर्पित व्यक्ति हो और लोकल का हो वो हमारा आगामी विधानसभा में दोनों जिलाध्यक्षों से निवेदन करता हूँ कि बाहरी व्यक्ति को पर्यटकों को भगाए और यहाँ लोकल का उम्मीदवार चुने। मैंने ज्यादा कुछ कह दिया हो